अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं वेज थाली, वेजिटेरियन थाली, जिसकी रेसिपी ये है। देखिए व्यूअर्स, अभी मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जिसके लिए मैंने एक कटोरी चावल, बासमती चावल भिगा के रखी हूँ। मैंने ये आधा घंटा पहले भिगाई थी। और ये मैंने ली हूँ 100 ग्राम मटर। और ये हमारे हैं खड़े गर्म मसाले, तेज़पत्ता, ज़ीरा, एक इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें से मैं 2 चम्मच प्याज लूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं मटर पुलाव कैसे बनाती हूँ। ये व्यूअर्स, ये तेल गरम हो गया। अब इसमें हम डालेंगे हमारे खड़े गरम मसाले। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच प्याज। मैंने बारीक काटी हो, आप चाहे तो आप मोटी काट सकते हैं। मैं थोड़ी बारीक काटती हूँ। प्याज को लाल नहीं करना है, खाली हल्का, ये थोड़ी नरम हो जाए बस, नहीं तो पुलाव का कलर बदल जाएगा। इसलिए हमको बस इसको नरम ही करना है। खाली इसको सिलो पे मैं वो करती हूँ। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची, इसे फाड़ के डालेंगे। और इसके साथ इसमें हम मटर डालेंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे। इसमें डाल देंगे हमारे चावल, जो हमने एक कटोरी भिगा के रखे। अच्छे से चलाएंगे। इसी के नाप का हम इसमें पानी डाल देंगे। ये मैंने नाप के ली हूँ। और अब हम डालेंगे इसमें नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से। आपको जितना लगता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। हमने चावल भी भिगा के रखे थे, इसलिए मैं इसकी 1 या 2 सीटी लूँगी। इसके ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने रख देंगे। व्यूअर, जब तक हमारा मटर पुलाव हो रहा है, हम हमारी पनीर की तैयारी कर लेते हैं। अभी मैंने ली हूँ 100 ग्राम पनीर। उसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया डाल के इसको मैं अच्छे से मिला के रख दूँगी। और हम आगे, और ये मैंने ली हूँ 2 बड़ी प्याज है ये, और 4 छोटे टमाटर है, जिसकी मैंने प्यूरी कर ली हूँ। उससे अभी हम टमाटर, ये पनीर का मसाला बनाएंगे। अभी मैं इसको मिक्स करके अच्छे से मैरिनेट करके रख देती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने ली हूँ खड़े गर्म मसाले, ये 2 तेज़पत्ते छोटे छोटे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जौतरी का जरा सा पीस ली हूँ मैंने, इससे खुशबू अच्छी आती है, ज़ीरा, 2-4 लौंग और 1 हरी इलायची। इसको अच्छे से पकाएंगे। जो प्याज हमने काट के रखी ये इसमें डाल देंगे। अच्छा बारीक चॉप करना आप, कि हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसको भी लाल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, ये हमारे प्याज थोड़ी लाल हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे। इसी के साथ मैंने ये जो टमाटर की प्यूरी, और इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली हूँ, इसके साथ ही मैंने पीस ली थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम आगे के मसाले डालें। प्लीज़, आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए। प्लीज़, मुझे 1 साल होने आया, आप लोग मेरा वीडियो फुल देखा कीजिए। मैं बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हूँ। व्यूअर्स, ये अब हमारे मसाले भून रहे हैं। अब इस टाइम हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, और हमने हरी मिर्ची भी 2 डाली, तो अब इसमें मैं लाल मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। और 1 चम्मच धनिया, छोटा चम्मच भर के धनिया डालेंगे, और टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने पनीर में भी नमक लगाया तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पनीर की क्वांटिटी थोड़ी कम है इसके लिए। अब ये भून जाएगा, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें पानी डाल के इसको पकने रख दी हूँ। अब ये सिलो पे पकेगा उसके, और आगे का मैं आपको बता। देखिए व्यूअर्स, अब पनीर को हम थोड़ा सा हल्का सैलो फ्राई कर लेंगे, ऐसे इस पर रख के हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारा मटर पुलाव भी हो गया है, हल्की आँच पर इसको सौते करके मैं निकाल लूँगी, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मटर पुलाव बनके रेडी हो गया है।
ये देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें हमारा ये मसाला भून गया। अब मैंने जो पनीर फ्राई करके रखी है, पनीर हम इसमें डाल देंगे। इसका ऑयल हटा लेंगे। बस अब इसको 1 से 2 मिनट ही पकाना है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चे और थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला। हरी मिर्ची, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डालें। 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। ये हमारी पनीर की सब्जी बनके रेडी हो गई, पनीर कड़ी बनके रेडी हो गया है। अभी 1 से 2 मिनट मैं इसको ढक के पकाऊंगी और मैं आगे का आपको चिली स्टार्टर एक बताती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने ली हूँ 1 कप गाजर है, 1 कप पत्ता गोभी, आधी शिमला मिर्ची है, थोड़ा सा हरा धनिया टेस्ट के हिसाब से, हरी मिर्ची है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी अब टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है कि आपको मेजरमेंट समझ में आ जाए। और ये 1 चम्मच मैंने मैदा डाली हूँ। इसको अब मैं अच्छे से मिलाऊँगी, फिर इससे हम हमारा चिली स्टार्टर बनाएंगे। इसको अच्छे से अब मैं मिला लूँगी बाइंडिंग करके, फिर मैं आपको बताती हूँ। मसाला मिला दिया था, मैंने इसमें 1 आलू मिला रही हूँ बाइंडिंग के लिए। और मैंने एक तरफ तेल गर्म होने रखी हूँ, इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। बस ये मैंने ऐसा बना ली हूँ और अब मैंने तेल गर्म होने रखी हूँ। अब मैं इसमें हमारे जो एक एक उठा के मैं ऐसे डालूँगी, इसको हम फ्राई करेंगे। हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ये हम डाल देंगे जितने भी हमने बनाए हैं सब। इसमें गरम तेल में डालना है, इसको मैं अच्छे से फ्राई करके निकाल के फिर आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, ये हो गए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, गैस को कर रही हूँ बंद, मैं आगे का आपको बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने तेल गर्म होने रखी हूँ, इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन। इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्ची और प्याज, इसको अच्छे से सौते करेंगे। हम वेज चिली बना रहे हैं, इसमें मैंने 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच विनीगर और 2 चम्मच टमाटर केचप डाली हूँ। अभी हम इसी में डाल देंगे, इसको अच्छे से डालेंगे। सोया सॉस में, चिली सॉस में, सब में नमक होता है, इसके लिए हम और नहीं डालेंगे। इसको हल्का सा पकाएंगे। मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ली थी, अब इसको अच्छे से पकाएंगे ऐसे करके, ये अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसमें हमारी जो ये हमने बना के रखे ये डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा बनके रेडी हो गया। अब मैं गैस को करती हूँ बंद और अब मैं करती हूँ हमारे सब खाने को डिश आउट। आज हमने वेज थाली बनाई है, तो उसमें हमने ये वेज चिली बनाई है। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी वेजिटेरियन थाली बनके रेडी हो गई है। आप डिनर में पूरा खाना ये बना सकते हैं खाना। ये मैंने बनाई हूँ पनीर कड़ी एकदम सिंपल तरीके से। ये मैंने बनाई हूँ मटर राइस, मटर पुलाव, और ये मैंने बनाई हूँ वेज चिली, और ये हमारी तंदूर, ये मैंने 2 कैटलेस भी बनाई हूँ साथ में इसी चिकन चिली के लेके। मैंने बस इस पर सिमई लगा दी हूँ, आपके कैटलेस भी बन के रेडी हो जाएंगे। प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, वेज चिली बनाई हूँ मैंने, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। और ये पनीर भी एकदम सॉफ्ट तरीके से, देखिए एकदम सॉफ्ट है। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अल्लाह हाफिज़।